आज का जो सफर हो रहा है ना वो आपको मैं ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गोमो जंक्शन से आनंद विहार के लिए। पनीर का सब्जी है, दाल फ्राई है, आलू का सब्जी है, राइस है। गाड़ी को बनाते हैं, अपनी गाड़ी से देते हैं। करता हूँ नई वीडियो में और आज का जो सफ़र हो रहा है ना वो आपको मैं ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गोमो जंक्शन से आनंद विहार के लिए। जो मेरी ट्रेन है वो है झारखंड स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और अभी ये जो चलती है ना ये हटिया से लेकर आनंद विहार के लिए चलती है। तो अभी मैं हूँ गोमो जंक्शन पर और गोमो से ये अभी खुलेगी शाम को 6:25 पर। आज का जो ये जो ट्रैवल मैं कर रहा हूँ ये थर्ड टायर एसी से कर रहा हूँ और देखते हैं ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी अभी दे रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसी ट्रेन है क्या है टोटल रिव्यू दूंगा मैं आपको। तो अभी स्टेशन पे हूँ और ट्रेन है मेरी आने वाली ही है। टाइम आप देख सकते हैं 6:22 हो चुका है, 3 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। कैसा ट्रेन है पूरा रिव्यू आपको दूंगा मैं ट्रेन का और दिखाता हूँ कैसी सीट है, क्या फैसिलिटी दे रही है, बाकी क्या अभी ट्रेन कंडीशन क्या है। इससे पहले वाली आपने एक वीडियो में देखा होगा, आप यहीं गोमो से न्यू दिल्ली के लिए, वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का था। और इस बार जो मेरा होने वाला है सफ़र वो है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस करके है ट्रेन, उससे मैं इस बार ट्रैवल कर रहा हूँ। गोमो का स्टोरी तो आपको बताया ही होगा। ये गोमो इस जगह का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे आखिरी बार यहीं देखे गए थे और यहाँ के बाद उनका पता नहीं चला था, इसलिए इस स्टेशन का नाम और इस जगह का नाम गोमो रखा गया। दादा कोल्ड ड्रिंक है? हाँ सर। कितने दीजिए? तो एक दे दीजिए। एक? हाँ। कौन सा दोगे? ठंडा दीजिएगा। 40 का है ना। चिप्स दे दीजिए कोई। कभी ये करता है चिप्स और पेप्सी। यही है मेरा कोच B1। बाथरूम का टूर दे देता हूँ। ये है बाथरूम का टूर, आपका एक मिरर हो गया सामने और ये बेसिन मिलता है, एक कमर्ड है, साफ सुथरा है यहाँ पे थोड़ा। ये हैंडवॉश है, मतलब बाथरूम कंडीशन अभी ठीक है इसका। आपको एक यहाँ पे बेसिन मिलता है, नीचे कूड़ादान और यहाँ पे भी एक डस्टबिन है और ये यहाँ पे आपका लगेज रूम बोल सकते वो भी है, या ये हो गया दोनों तरफ है। और ये मेरा कोच है सामने
और ये तो बिजली वाला जो मीटर पूरा कनेक्शन जो जाता है ये कोच का यहाँ से है। तो जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ वेयर इज़ माई ट्रेन, और ट्रेन जो है अभी पारसनाथ से खुल चुकी है और ये 7:34 पे पहुँचाएगी कोडरमा जंक्शन। गया हम लोग पहुँचेंगे 9:28 पे। और ट्रेन में भी एक दो चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, वो चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, और फैसिलिटी की बात करूँ तो अगर बर्थ पे भी जाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, बेडशीट वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से कैरी करो वो चीज़। और खाना वाना भी खुद से लेके आइए, क्योंकि आपको इसमें इंक्लूडिंग खाना इसमें इंक्लूड नहीं है टिकट में। टिकट जो मुझे पड़ा था इसका 1470 रुपये का, आपका थर्ड टायर एसी का, ये गोमू से मैं बता रहा हूँ टिकट, गोमू से लेकर आनंद विहार टर्मिनल आनंद विहार तक। बाकी आप जहाँ से बोर्ड करते हैं उसके प्रेफरेंस के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अभी रात के बज रहे हैं, 7:40 हो रहे हैं अभी। बाकी अभी हम लोग कोडरमा पहुँचने वाले हैं और इसके बाद ट्रेन जो है 9:28 पे ये पहुँचेगी गया। ये 1 नंबर बर्थ मेरा है और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइट। अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़ना है ना रात में, अगर लाइट बंद हो जाता है तो ये चीज़ आप दिखा सकते हैं। यहाँ से आप ऑन करके इसको आप फिर कुछ भी किताब उताब पढ़ना या कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे ये बोतल रखने के लिए मिल जाता है, ये तो सीट वाला है, सीट को ये कवर करता है, सीट ये आप उठा भी सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे ये आपका बैठने वाला बन जाएगा ऐसे। फिर आप अगर इसको नीचे कर लेंगे तो ये आपका फिर पूरा बेड बन गया। फिर यहाँ पे आपको एक मिलता है चार्जर, चार्जर पॉट है यहाँ पे एक, एक आपको मिरर मिलता है वहाँ पे, और हर सीट के पास एक लाइट, ऐसा ही लाइट दिया हुआ है ये जो आपको लाइट मैंने दिखाया। बाकी चार्जर जो पॉट है वो आपको हर जगह हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉट मिल जाता है, तो वो सबसे अच्छा लगा इस पर। नहीं तो ऐसे होता है ना, बाकी जो ट्रेन होती है उसमें एक ही चार्जिंग पॉट होता है, वो दोनों को उसी से करना होता है वो चार्ज। मैं ट्रेन के खाने की रिव्यू देने वाला था बट अभी ने खाना बना के मुझे पहले ही दे दिया था, और ये पनीर की सब्जी और रोटी उन्होंने पैक कर दिया था। अब ये खाने को वेस्ट नहीं कर सकता तो अभी मैं यही खाना खाने जा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो खाना सच में बहुत टेस्टी है, आखिर घर का बना खाना है, टेस्टी तो होना ही है। हो सके ना तो कल सुबह मैं आपको नाश्ते का रिव्यू बताऊंगा। खाना लाजवाब है, ऊपर से मम्मी हाथ का बना है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आ चुके हैं गया जंक्शन अभी, और एकदम राइट टाइम ट्रेन चल रही है, लेट बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी ट्रेन हटिया टू आनंद विहार, यहाँ पे जो लिखा हुआ भी है। 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे गया में, गया से जो खुलेगी फिर ये शायद सासाराम या अनुग्रह नारायण रोड वहाँ रुकेगी। तो जो भी अभी दिन का फिर जो अभी होगा ना टूर, वो कल आपको दिखाऊंगा मैं सुबह में। तो ट्रेन रिव्यू मैंने आपको दे दिया, अभी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो आपको कंबल बेडशीट ये सब कुछ नहीं मिलेगा, वो सब आप खुद से कैरी कीजिए। चाय कैसे भैया, चाय कैसे है? 15 हाफ टी कितना का? फ्लेवर वाला है कि बनाया हुआ है? फ्लेवर है। चाय लिया है 15 रुपया, ये फ्लेवर टी है, बताता हूँ टेस्ट अभी कैसा है।
ठीक है, नॉर्मल फ्लेवर टी जो आता है वो है, अगर वो मिलता है ना आपको बना हुआ चाय जो केटली वेटली में देते हैं तो वो चाय पीजिए, वो सही रहता है। लेकिन ये फ्लेवर टी है तो फ्लेवर टी वैसे ही रहता है। 15 रुपये लिया, मतलब ठीक है, काम चला हुआ है। चलते ट्रेन में, ट्रेन खुल जाएगी नहीं तो। अभी तो अब ट्रेन खुलने वाली है यहाँ से, तो अब रात भी हो चुकी है, 9:30 बज चुका है, और अब सीधा सो जाऊंगा। खाना वाना भी हो गया, और अभी जो चाय लिया है, चाय का क्वालिटी सच बताऊंगा तो मैं बस अभी लिया था टेस्ट करने के लिए, आप लोगों को बता सकूं कि मतलब कैसा टेस्ट है यहाँ का, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यहाँ से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला चाय जो फ्लेवर टी होता है वो ना पिए, सही नहीं रहता है। और अगर आपको पीना ही है तो वो फिर जो केटली वाला चाय आता है ना, ट्रेन में भी मिलता है, केटली वाला चाय तो आप पीजिए, और फ्लेवर वाला टी होता है ना तो आप मत लो, सही नहीं रहता है। पिया बस टेस्ट करने के लिए लिया था, बाकी पिला ही नहीं रहा है। बाकी ट्रेन का रिव्यू तो दे दिया आपको, कोई फैसिलिटी तो मिल नहीं रही है अभी वैसा। और खाना का जहाँ तक बात है, तो वो खाना वो जो आते हैं ना यार सीटीसी वाले जो अंदर ही रहते हैं केटरिंग वाले, तो आप केटरिंग वाले से डायरेक्ट ले सकते हैं खाना। जो वेट थाली है वो शायद 100 रुपये का थाली आता है। कल सुबह मैं ट्राई करूँगा ट्रेन का खाना, मैं कल सुबह ट्राई करूँगा, तो आपको उसका भी मैं फीडबैक बताऊँगा कैसा खाना है वो भी बताऊँगा। कानपुर ये सुबह 6:30 बजे पहुँचा देगी कानपुर, और उसके बाद इसका सीधा स्टॉपेज जो है ना वो आनंद विहार के लिए है। वेज थाली क्या क्या देते हैं इसमें? पनीर का सब्जी है, दाल फ्राई है, आलू का सब्जी है, राइस है, पराठा है। अच्छा, कितना कैसे थाली है ये? 120 का है ना? हाँ। बेस। और अगर ये नॉन वेज लेंगे तो? नॉन वेज 130 अंडा करी। और खाना खाइए आपको अगर ये लगे ना खाना, हाँ जबरदस्त। डस्टबिन है यहाँ पे, लोग वही कचरा फेंकने के लिए सही है ये दिया है। अब कचरा यहाँ फेंकने के लिए दिया हुआ है, ये है, ये है, उधर भी है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं अपने हरकत से। देख लीजिए कैसे फैला के रखे हैं। रात हो चुकी है और 9:32 हो रहा है, और गया से ट्रेन खुल चुकी है, कल सुबह 6:30 बजे कानपुर पहुंचेगी। तो कानपुर के बाद कोई बीच में स्टॉपेज है नहीं, तो बीच में तो खाना ऑर्डर भी नहीं, वरना रेल रेस्टोर करके आता है ना, रेल रेस्टोर से खाना ऑर्डर करने पे आपको खाना एक नंबर मिलता है। बाकी कल सुबह अब आपसे मिलता हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ मैं सोने। यहाँ पर दिखाता हूँ लाइट, ये वाला जो काम आएगा पढ़ पढ़ सकते कुछ की लाइट चला के। बाकी अब रात हो गई है और जा रहा हूँ सोने, तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो ट्रेन है वो पहुंची है कानपुर, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, ट्रेन 15 मिनट लेट है। तो अब हो गया नाश्ते का समय, और ये मैंने लिया है अभी नाश्ता, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये ब्रेड है और कटलेट। नाश्ता एकदम गर्म है और फ्रेश है, तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। गर्म है नाश्ता और टेस्ट भी सही दिया है। 40 रुपये लिया है नाश्ते का, अभी ट्रेन में ही लिया था तो। और जो टेस्ट की बात की जाए तो गर्म है, सही लग रहा है। वो वेजिटेबल चॉप होता है ना, वो कटलेट बोलते हैं उसको, तो 2 पीस ब्रेड आया, 2 पीस कटलेट आया, और एक सॉस का पैकेट भी है, और इसका मुझे पड़ा 40 रुपये। और मैं यूज़ कर रहा हूँ वेयर इज़ माई ट्रेन, और हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं इटावा जंक्शन, और ये जो ट्रेन है हमें आनंद विहार टर्मिनल 1:24 पे पहुंचाएगी।
स्लॉट देख रहे हैं ना, ये रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ऑफ रहता है। आप रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक किसी भी ट्रेन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो 11 बजे रात से पहले आप कर लीजिए, क्योंकि आप फिर 5 बजे सुबह तक ये नहीं कर पाएंगे चार्ज। और अगर 5 बजे के बाद भी अगर आपका ये चार्जिंग पॉट अगर ऑफ ही रहता है, अगर ऑन नहीं होता है, आप अगर चार्ज लगा के देख रहे हो ये ऑन नहीं हो पा रहा, तो आप फिर कोई भी कर्मचारी को आप देखते हो रेलवे का ट्रेन के अंदर, या फिर TTP होते, तो आप उनको बोल दीजिए, वो उनको भेज देंगे और ये आपका जो कोच होता है ना, इसका वो आके इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो ठीक करके जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ नहीं था हुआ वहाँ। और दिल्ली का भी टाइमिंग ये दिखा रहा आनंद विहार का 1:24 पे, तो अभी 14 मिनट तो लेट बता रहा है, लेकिन शायद ये मेकअप कर ले और हम टाइम पे ही पहुंच जाए। 1:10 इसका टाइमिंग है। तो चाय लिया, चाय का भी टेस्ट ठीक है, 10 रुपये का कप मिला है। फ्लेवर वाला चाय से वो काफ़ी अच्छा है, फ्लेवर वाला होता है कि उसमें एकदम टेस्ट बेकार होता है, लेकिन ये जो चाय है ये ठीक है। समय से 40 मिनट बिफोर ये पहुंचा दिया ट्रेन, तो काफ़ी अच्छा है और एकदम टाइमली चला, टाइम पे एकदम पहुंचाया है। अभी 12:29 हुआ, 12:22 में ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल पे आ गई थी, जबकि इसका टाइमिंग था 1:10 पे। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ट्रेन रिव्यू अच्छा है, ट्रेन जो है काफ़ी अच्छी है, आपको टाइमली पहुँचा रही है, और कम्फर्ट की बात की जाए तो कम्फर्ट भी अच्छी है, लेकिन अभी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही तो वो ध्यान ना रखें। फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। मैं हूँ आपका कुश शर्मा, जय हिंद जय भारत।